Thank you. Thank you for introducing me. तो ये जो सेशन है इसमें हम स्टॉप मोशन एनिमेशन के बारे में बात करेंगे कि ये स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है और किस तरीके से हम छोटे छोटे स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं हम एक 10 मिनट के ड्यूरेशन में एक ऐप के माध्यम से। तो एनिमेशन क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि प्रीवियस सेशन जो था वो एक एनिमेशन के ऊपर ही था कि एनिमेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन क्या होते हैं और एनिमेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशन में हम एनिमेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। और आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज भी हमारे जो डे 1 में जो सेशन हुआ था प्रोफेसर इंदु कुमार का, तो उसमें भी आपने सुना था कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज हैं जो होते हैं, तो स्टॉप मोशन एनिमेशन उसमें से एक टाइप है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। आई होप मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल है। यस मैम, इट इज विजिबल। थैंक यू। स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या है? स्टॉप मोशन एनिमेशन एक टेक्निक है जिसमें हम जो भी एनिमेशन हमें क्रिएट करना है उससे रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स को हम ड्रॉ करते हैं या डिजिटली भी हम यूज कर सकते हैं, उनके हम फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं और उसको एक सीक्वेंस में उन फोटोग्राफ्स को अरेंज करते हैं और प्ले करते हैं। ये 3 स्टेप हम हमें फॉलो करने होते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन के लिए। फर्स्ट कि आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, या तो आप वो ड्रॉ करें या डिजिटली भी आप यूज कर सकते हैं। आपको उनके फोटो क्लिक करने हैं और उन्हें एक सीक्वेंस में रखना है जिस सीक्वेंस में वो वीडियो आप एनिमेशन आप चाहते हैं कि प्ले हो, और थर्ड उसे हमें प्ले करना है। तो ये सारे तीनों स्टेप मिलकर एक स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट करते हैं। ये इसको जब हम किसी भी पिक्चर्स को सीक्वेंस में रखकर हम प्ले करते हैं तो उसमें हमें एक मूवमेंट दिखता है। वो मूवमेंट रियल नहीं होता है, वो केवल एक इल्यूजन होता है जो हमें लगता है कि वो प्ले हो रहा है लेकिन वो एक इल्यूजन होता है। इसको हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉप मोशन एनिमेशन हमारे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या है। पहला है ऑब्जेक्ट मोशन। जब हम किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे टॉय का हमने यूज किया किसी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन है। क्ले मोशन, जब हम क्ले से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम क्ले का यूज करते हैं किसी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, तो क्ले मोशन होता है। कटआउट मोशन, कटआउट मोशन में हम पेपर के कटआउट्स बनाते हैं और उससे हम एनिमेशन को क्रिएट करते हैं तो उसको हम कटआउट मोशन कहते हैं। और जब हम किसी पपेट का यूज करते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए तो वो पपेट एनिमेशन होता है। अब आप देख सकते हैं कि एनिमेशन के को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टूल्स यहाँ पर है जिससे कि हम ये फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर से सारे जो टूल्स हैं फ्री एंड ओपन हैं, तो इन सारे टूल्स का यूज हम कर सकते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। लेकिन आज जो हम टूल सीखेंगे वो है स्टॉप मोशन स्टूडियो। ये एक मोबाइल ऐप है, इसको आप मोबाइल पर ही डाउनलोड करेंगे। ये हालांकि ये दोनों पे ही कंपैटिबल है, डेस्कटॉप पे भी है आपके लैपटॉप मतलब डेस्कटॉप लैपटॉप और मोबाइल पे, लेकिन आप मोबाइल का ही यूज करिएगा इसको क्रिएट करने के लिए क्योंकि इस ऐप में आपको फोटो क्लिक करने होते हैं। तो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से इसको यूज करेंगे तो वो उतना कंपैटिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आप फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसको जब आप कोई एनिमेशन क्रिएट करें तो मोबाइल का ही यूज करें। तो स्टॉप मोशन स्टूडियो वो ऐप है जिसको हम आज सीखेंगे और इससे हम एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसका लोगो है। तो आप प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड यूजर प्ले स्टोर पे जाकर इसको
डाउनलोड कर सकते हैं स्टॉप मोशन स्टूडियो को। तो ये इसका लोगो है और ये आईफोन और आईओएस और एंड्रॉयड दोनों के लिए ही कंपैटिबल है। तो आप अपने ऐप स्टोर पे भी इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम हमारे पास ऐप आ गई है, अब हमारे को क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है कि हम एक एनिमेशन क्रिएट कर पाए, तो हमें सिंपल से जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो है एक स्मार्टफोन, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये एक ऐप बेस्ड ऐप है। ये इसको हमें मोबाइल फोन का, हमें स्मार्टफोन का रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारे पास ये ऐप के थ्रू हम बनाएंगे। दूसरा स्टोरी लाइन, हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए क्योंकि अगर हम कोई एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए जिस पर हम वो एनिमेशन क्रिएट करें। हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप किस कॉन्सेप्ट पे अपने एनिमेशन को क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक हमारे पास स्टोरी लाइन होनी चाहिए और थर्ड है स्टोरी बोर्ड। प्रीवियस सेशन में भी आपको स्टोरी बोर्ड का एग्जाम्पल बताया गया होगा कि स्टोरी बोर्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वीडियो या एनिमेशन को बनाने के लिए। तो स्टोरी बोर्ड क्या होता है ये हम देखेंगे। स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए हमें किसी भी तरीके की टेक्निकल एक्सपर्टीज की कोई जरूरत नहीं होती है। आप सिंपल पेपर पे भी अपने हाथ से स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। तो स्टोरी बोर्ड जो होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट स्टोरी का, हमारी कंप्लीट वीडियो का। हम उसको फ्रेम बाय फ्रेम जो हम चाहते हैं कि हमारे एनिमेशन में वीडियो में प्ले हो, वो हम पूरा एक पेपर पे या डिजिटली भी इसके फ्रेम्स आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं यूज करना डिजिटली, अगर आपको इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है कि आप डिजिटली यूज कर पाए, तो पेपर पे आप हाथ से भी एक फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ये बहुत ही रफ स्टोरी बोर्ड बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसमें पूरी स्टोरी को फ्रेम बाय फ्रेम पूरा एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट फ्रेम में क्या सीक्वेंस हम क्लिक करेंगे, जो क्या सीक्वेंस हमारा आएगा, फिर सेकेंड फ्रेम में क्या आएगा, थर्ड फ्रेम में क्या आएगा। तो इस तरीके से हम पूरा स्टोरी बोर्ड, जो हमारी स्टोरी हम एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, उसको पूरा हम ग्राफिकली एक पेपर पे हम पूरा क्रिएट कर लेंगे। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि अगर आप कोई भी स्टोरी जो आप एनिमेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको याद रहता है कि आपके इस फ्रेम के बाद नेक्स्ट फ्रेम क्या आएगा। इसमें आपके एरर होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और आपका टाइम भी बहुत सेव होता है क्योंकि आपने जो भी डेवलपर है उसको ये पता है कि इस फ्रेम के बाद ये फ्रेम आएगा, तो उससे आपके एक टाइम एफर्ट आपके बहुत कम लगते हैं, एरर की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और स्पीड अप काम होता है और आपको रीडू नहीं करना पड़ता अपने वर्क को। तो स्टोरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनिमेशन या वीडियो को क्रिएट करने के लिए। अब ये आप देखेंगे, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके फोन में वो ऐप का आइकन आ गया, आपने उसको क्लिक करके ओपन किया तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी अपने मोबाइल फोन पर। इसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड, ये हमारी ऐप का डैशबोर्ड है। अब हमें नया अपना एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये प्लस आइकन है जो आप देख रहे हैं न्यू मूवी का, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके की स्क्रीन हमारे मोबाइल फोन पर आएगी, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ आइकन हमें दिख रहे हैं। राइट हैंड साइड पे भी फोर आइकन हमें दिख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें फोर आइकन दिख रहे हैं। अब ये आइकन क्या है ये हम देखते हैं। ये हम देखेंगे जो हमारे पहला आइकन है, जो कैमरा जैसा आइकन है, ये कैप्चर है। हम जो भी पिक्चर क्लिक करेंगे अपने एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम इस बटन का यूज करेंगे, कैमरा बटन का क्लिक करने के लिए। ये आपको अंडू बटन है जिसको हम अंडू के लिए यूज करेंगे। और ये आपको लास्ट बटन दिखेगा राइट हैंड साइड पे, ये प्ले बटन है। जब आप सारे पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे तो प्ले बटन से वो आप प्ले करके देख सकते हैं अपनी मूवी को। लेफ्ट हैंड साइड पे जो टॉप आइकन है वो हमारा बैक बटन है। अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, जहां से हम इस स्क्रीन पर आए थे। सेकेंड आइकन है वॉइस ओवर। अगर आप अपने एनिमेशन में कोई ऑडियो भी इनबिल्ट करना चाहते हैं, ऑडियो भी साथ में डालना चाहते हैं,
तो आप इस बटन का यूज करके आप अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं इस ऐप में, और वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के साथ सिंक हो जाएगा। थर्ड आइकन प्लस आइकन है, इसमें आप देख रहे हैं ऐड इमेज ऑडियो क्रेडिट्स। तो इस बटन का यूज करके आप कोई भी एक्सटर्नल इमेज, जैसे कि आपके फोन की गैलरी में कुछ इमेज हैं, आप उनको यूज करना चाहते हैं, तो इस बटन के यूज से आप वो इमेज जो आपके फोन की गैलरी में है, जिसको हम, क्योंकि हम एक्सटर्नल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, उसको हम अपने फोन के स्टोरेज से ले रहे हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं अपने एनिमेशन में, तो एक्सटर्नल जो आपके फोन के स्टोरेज में है उसको आप ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट्स दे सकते हैं, हम इसमें अपने क्रेडिट्स ऐड कर सकते हैं कि वीडियो के लास्ट में ये क्रेडिट्स आ जाए और वीडियो की स्टार्टिंग में टाइटल आ जाए, तो ये फीचर्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, ये सारे सॉफ्टवेयर फ्री एंड ओपन है, लेकिन कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर होता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर होती है। तो जो इसके भी फ्री वर्जन और एक प्रो वर्जन है, तो जो जो ये एड ऑन करने का ऑप्शन है, ये आपके फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा, आपको प्रो वर्जन में मिलेगा, जो एक वन टाइम पेमेंट होता है लाइफ टाइम के लिए, तो ये आपको उसमें मिलेगा। इसमें आप अपनी क्लिक करके ही इमेजेस को यूज कर सकते हैं। फिर ये आपको फोर्थ आइकन दिखेगा, सेटिंग का आइकन होगा। तो इस सेटिंग में आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि आपको अपनी जो आप एनिमेशन बना रहे हो उसकी स्पीड को सेट करना है कि वो फास्ट चले, स्लो चले, मीडियम स्पीड में चले, आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट्स उसमें हम डाल सकते हैं कि जब स्टार्टिंग हो वीडियो की तो एक फेड इन इफेक्ट के साथ हो, और जब फेड आउट के साथ हो मूवी एंड हो, तो इस तरीके के फीचर्स हैं जो अभी हम आगे देखेंगे, इसको हम सब हैंड्स ऑन करेंगे, तो उस तरीके के फीचर्स इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें सेटिंग में फीचर्स हैं। अब आप देखेंगे बॉटम में एक आइकन है जिसमें लिखा है टाइमलाइन। टाइमलाइन आपको पता ही है कि क्या होता है, क्योंकि ये सेशन में एक्सप्लेन भी किया गया था। यहाँ पर टाइमलाइन ये है कि जो भी आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और जिस सीक्वेंस में क्लिक कर रहे हैं, वो सारी आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी, कि आपने फर्स्ट फोटो यहाँ क्लिक की तो वो यहाँ दिखेगी, सेकंड उसके बाद दिखेगी, थर्ड उसके बाद दिखेगी, तो सेम सीक्वेंस में सारे फोटोग्राफ्स हमारे टाइमलाइन में दिखने लगती हैं। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फोटो को एडिट भी करना चाहते हो तो वो टाइमलाइन से कर सकते हैं। अब मैंने कमरा, वो कैमरा आप आइकन पे आपने क्लिक किया तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको अगेन बैक बटन है, ये आपका टाइमर है, क्योंकि आपको इस ऐप में फोटोग्राफ्स को क्लिक करना है, तो इसके लिए आप टाइमर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाथ से फोन पकड़ के उसको क्लिक करेंगे तो मे बी हिलने की पॉसिबिलिटी है कि आपका हैंडशेक हो और वो फोटोग्राफ हिलता हुआ आए, तो आप टाइमर का यूज कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड का टाइमर आपने सेट कर दिया, तो एवरी 2 सेकेंड में आपके फोटोग्राफ्स ऑटोमेटिकली क्लिक होते जाएंगे। ये आपका क्लिक बटन है और ये आपका प्ले बटन है। अब ये 4 बार क्या है, आप इन 4 बार्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप जूम सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, और फॉन्ट, अगर आप कोई भी टेक्स्ट आपके उसमें है तो उसका साइज भी आप सेट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने बताया टाइमर है, तो ये टाइमर के सेकेंड्स हैं, आप इनसे टाइमर को सेट कर सकते हैं। ये आपने देखा कि एक स्टोरी थी थ्रस्टी क्रो की, जिसका मैंने एक रफ स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया था, उसके बेसिस पे ये हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया। मैंने इस एनिमेशन को बनाने के लिए, आप देखें यहाँ पे 37, इसका मतलब मैंने 37 पिक्चर्स क्लिक करी थी इस स्टोरी को क्रिएट करने, इस स्टोरी का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, तो सारी जो इतनी पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की वो मेरी टाइमलाइन पे यहाँ पर शो हो रही है, जैसे आप ये देख सकते हैं। अब मुझे एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि 20th फ्रेम है, अब मुझे इसको एडिट करना है, मुझे इस किसी पर्टिकुलर फ्रेम में मैंने सारे पिक्चर्स क्लिक कर ली जिससे मेरा एनिमेशन क्रिएट हो सकता है। अब मुझे याद आया कि अरे इस पिक्चर में कुछ गड़बड़ आ गई, ये यार ठीक से नहीं आई, क्लिक तो मेरी हो गई, तो मैं क्या उसको एडिट कर सकती हूँ?
तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, आप अपने हर फ्रेम को एडिट कर सकते हैं। यहां पर आप पर्टिकुलर फ्रेम पर जाएंगे, उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पॉपअप आपको स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारे एडिटिंग फीचर मिल रहे हैं, जैसे कि इंसर्ट कैमरा। अब इंसर्ट कैमरा का क्या मतलब है, जैसे कि आपको याद आया अरे 19th फ्रेम के बाद मुझे 20th और 19th के बीच में एक और फ्रेम ऐड करना था जो मेरा रह गया, मेरा स्टोरी बोर्ड में भी वो रह गया, मैं मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो आप इन 19th फ्रेम पे क्लिक करके इंसर्ट कैमरा क्लिक करेंगे तो एक आपका कैमरा ऐड हो जाएगा, और जो मिसिंग फ्रेम है जो आपको लग रहा था कि मिस हो गया, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन बिटवीन भी आप फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं। पॉज पॉज का ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पर्टिकुलर फ्रेम, जैसे 20th ये फ्रेम है, ये जो पिक्चर है इस पर आपने कोई टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी है, आप चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में है, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हो सकता है कि वो स्पीड की वजह से वो टेक्स्ट ना पढ़ पाए, हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी में ना पढ़ पाए, तो मैं उस पर पॉज अप्लाई कर दूंगी। और पॉज अप्लाई करने के बाद मैं इसमें टाइम सेट कर दूंगी, ये पर्टिकुलर फ्रेम जो है मेरा वो 30 सेकेंड के लिए स्क्रीन पर रहे, पूरी मूवी का टाइम अलग रहेगा और ये पर्टिकुलर फ्रेम जो है मेरा वो स्क्रीन पर 30 सेकेंड के लिए रहे, तो आपका इस पर्टिकुलर फ्रेम पर एक पॉज अप्लाई हो जाएगा। और ये आपका जो फ्रेम होगा जब आपकी मूवी प्ले हो रही होगी तो ये पर्टिकुलर जब सीक्वेंस स्क्रीन पर आएगा तो वो एक लंबे टाइम के लिए स्टे करेगा। तो इस तरीके से हम पॉज का यूज कर सकते हैं। ऑडियो, ऑडियो मैंने जैसे कि बताया था आपको पहले भी कि आप इसमें कोई भी एक्सटर्नल म्यूजिक या ऑडियो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही मैं रिपीट करूंगी कि ये आपको प्रो वर्जन में मिलेगा, फ्री वर्जन में आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके मूवी के साथ ऐड कर सकते हैं। ये एडिटिंग फीचर है, इसमें अपनी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट ये सब आप ऐड कर सकते हैं। इरेज, इरेज कर सकते हैं आप कुछ भी इसमें से सेलेक्ट, आपको कोई फ्रेम दो तीन फ्रेम एक साथ अगर डिलीट करने हैं तो आप सेलेक्ट करके एक साथ उनको कट कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप ये देख रहे हो कि ये दो जो बटन है रिवर्स और मर्ज, ये आपको हाइड दिख रहे हैं, तो ये जो फीचर है आपको रिवर्स करने का या आपको मर्ज करने का, तो ये फीचर आपको प्रो वर्जन में मिलेगा। ये दो तीन फीचर हम अपने प्रो वर्जन में ही मिलेंगे, वो मैं बेसिक जो हमारा फ्री वर्जन है उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्री वर्जन में मैं इतने फीचर मिलते हैं कि हम अपने डेली यूज के लिए अगर हम कोई स्मॉल एनिमेशन क्रिएट करना चाहें तो वो हम आराम से कर सकते हैं। अब हमारी एडिटिंग हो गई, अब हमारी पूरी टाइमलाइन में हमने अपनी एडिटिंग कर ली, अब हम चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी के साथ, जो ये मेरी स्टोरी है इसके संग मैं ऑडियो नरेशन भी ऐड करूं, तो मैं क्या करूंगी, ये आपने जो ऑडियो आपका बटन है इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी जिसमें आप देखेंगे रिकॉर्ड का बटन है, आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी आप रिकॉर्ड अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, फिर आप इसको डन करेंगे तो ये आपकी जो ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली जो आपने वीडियो क्रिएट करी है, जो आपने एनिमेशन स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट किया है उसके साथ सिंक हो जाती है। फिर ये सेटिंग जो मैंने आपको बताया था कि एक सेटिंग का आइकन था जिससे कि हम स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर इसमें थे जो हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आप देखेंगे स्पीड है, आप अगर 1 पे रखेंगे स्पीड को तो उतनी ही आपकी जो एनिमेशन है उसकी स्पीड स्लो रहेगी, और जितना आप सेकंड को इंक्रीज करेंगे उतनी ही आपकी जो एनिमेशन की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। तो अगर आप 1 पर सेट करेंगे तो वो स्लो रहेगी और अगर आप इंक्रीज करेंगे सेकेंड्स को तो वो फास्ट हो जाएगी। अगेन इसमें आप ये देख सकते हैं, ये जो सेकंड आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ये फेड इन फेड आउट का है, तो इस तरीके के आप इसमें इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं कि आपकी मूवी स्टार्टिंग में फेड इन इफेक्ट के साथ रहे, और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे जब अभी क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे। अब थर्ड ऑप्शन जो है ये एस्पेक्ट रेशियो है, तो इसमें भी आप अपनी मूवी का एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे कुछ इसमें आपको प्रो वर्जन के भी मिलेंगे और फ्री वर्जन के भी मिलेंगे, ये अपना आप
जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है, ये आप इसमें अपना फोरग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, इसमें आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल कैमरास में भी फिल्टर आते हैं, तो उस तरीके के फिल्टर्स का भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस HD क्वालिटी, SD क्वालिटी, किस क्वालिटी में मूवी आपको अपनी वीडियो चाहिए। तो हम बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी होगी तो उसकी मूवी, आपकी वीडियो बहुत हैवी हो जाएगी, और आप किसी को शेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा आपका डेटा भी आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। तो हम इसको अगर SD क्वालिटी में भी रखेंगे तो भी, क्योंकि हमें देखना इसको मोबाइल फोन पर ही है तो उसका आउटपुट अच्छा आएगा, तो हम इसमें थोड़ा सा SD क्वालिटी में भी इसको रख सकते हैं। और ये प्रीव्यू बटन है कि आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपकी वीडियो कैसी चल रही है। अब आपने सारी एडिटिंग कर ली, आपकी मूवी क्रिएट हो गई, आपने इसमें सब कुछ एडिटिंग कर ली, स्पीड सेट कर लिया, आपने सारे इफेक्ट इसमें डाल दिए। अब हमारा लास्ट पर्पस ये होता है कि हमने क्रिएट कर ली, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो यूजर है उन तक ये वीडियो कैसे जाएगी? तो इसके लिए हम पहले बैक बटन का यूज करेंगे, और ये आप देखेंगे वही डैशबोर्ड है, हम उस डैशबोर्ड पे वापस आ गए हैं। तो आपकी जो आपने जो वीडियो क्रिएट की है वो आपको यहाँ दिख रही है, आपका प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट किया, आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी फाइल रीनेम करते हैं अपना, राइट क्लिक करके ऐसे इसको रीनेम कर सकते हैं। अब आपको ये आपकी फाइनल प्रोग्राम है, आपने एनिमेशन आपका क्रिएट हो गया, अब इसको आप शेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ आपको ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, ये जो टॉप बार है ब्लू बार, इसमें आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला अगेन वो एक प्रीव्यू देता है कि आप इसको शेयर करने से पहले भी डबल चेक कर लें, इसका प्रीव्यू देख लें। ये आप देखेंगे शेयर का आइकन है कि इसके थ्रू आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में इसको शेयर कर सकते हैं, जो हम देखेंगे अभी कि क्या है वो फॉर्मेट्स। ये थर्ड आपका बटन है डुप्लीकेट या कॉपी बटन। अब हमने अपना प्रोग्राम बना लिया, हमने अपनी एनिमेशन बना लिया, लेकिन अब इसको डुप्लीकेट कॉपी क्यों करना है? तो जैसे कि अगर आपने प्रोग्राम बनाया, जैसे कि बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसमें आपने जैसे प्रोग्राम बनाया, आपने हिंदी में बनाया, आपने जो ऑडियो नरेशन था आपका वो हिंदी में था, लेकिन आप चाहते हो कि इसको मल्टीपल लैंग्वेज में भी मैं बनाऊं और इसको डिसेमिनेट करूं, तो इसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस वीडियो में इस यहाँ से आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। आप उस वीडियो को ओपन करेंगे, उसको एडिट करेंगे, एडिट में जहां पर आपने ऑडियो हिंदी में रिकॉर्ड करी थी या इंग्लिश में रिकॉर्ड करी थी, पहले जो हमारी रिक्स को हम डिलीट कर देंगे, और फिर हम उसे रीजनल या जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं उसमें रिकॉर्ड करेंगे, और आपकी वो दूसरी लैंग्वेज में सेम प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपके एफर्ट्स बहुत कम हो गए, क्योंकि आपके पास वीडियो आपको दोबारा नहीं बनानी पड़ी, आपके पास वीडियो बनी हुई थी, आपने उसको डुप्लीकेट कॉपी बनाई और उसकी ऑडियो का मीडियम चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी क्रिएट कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम को। तो ये डुप्लीकेट हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं उसके लिए, और फिर ये डिलीट ऑप्शन, आपने अपना प्रोग्राम बना लिया, आपने इसको शेयर भी कर दिया, और आप चाहते हो कि मेरे फोन के स्टोरेज ना भरे तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो आपके फोन का स्टोरेज भी नहीं, आपका ऑक्यूपाइड होगा और आपका प्रोग्राम भी शेयर हो जाएगा, क्योंकि आप वो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अब ये था कि हम किस किस फॉर्मेट में इसको शेयर कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहा है कि आप इसको मूवी फॉर्मेट में करना चाहते हैं। अब मूवी फॉर्मेट क्या है? मूवी फॉर्मेट है MP4 फॉर्मेट। कोई भी हमारी वीडियो का मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट होता है MP4, जो सारी डिवाइसेस में, इवन आपके डेस्कटॉप पे, चाहे आप एंड्रॉयड यूज करें, iOS यूज करें, सारे डिवाइसेस पे कंपैटिबल होता है। तो वो आपको ऑप्शन देता है, आप इसको MP4 फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आपको ऑप्शन देता है वो GIF फॉर्मेट में, तो आप इसको एनिमेटेड GIF फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तीसरा आपको ऑप्शन देता है कि इमेजेस के फॉर्म में, आप अपने एक स्टोरी बुक भी क्रिएट कर सकते हैं, आपने भी आप इसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक स्टोरी बुक भी बना दूं ताकि बच्चे इसको स्टोरी बुक की तरह भी पढ़ लें, क्योंकि मैंने इसमें टेक्सुअल इंफॉर्मेशन भी दे दी है,
तो आप इस अगर इमेजेस के फॉर्म में करेंगे तो आपके जितनी भी, जैसे कि जो फ्रेम 37 फ्रेम मेरे क्रिएट हुए थे इसको बनाने के लिए, तो 37 इमेजेस आपकी डाउनलोड हो जाएंगी और आपकी एक बुक बन सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्लिप बुक। फ्लिप बुक होती है पीडीएफ फॉर्म में, तो आपकी जो कंप्लीट स्टोरी है एक पीडीएफ के फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट है इसका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ये स्टॉप मोशन एनिमेशन जो ऐप है, स्टॉप मोशन स्टूडियो, उसका ही एक्सटेंशन है, तो ये इतना कंपैटिबल नहीं है, तो आप हम जितनी भी बाकी के ऑप्शन है उसमें इसको अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने इसको डाउनलोड किया तो मुझे ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्टली या तो इनका लिंक भी शेयर कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक या ईमेल के थ्रू मैं इनकी लिंक डायरेक्ट शेयर कर सकती हूँ, नहीं तो यहाँ आप देखेंगे एक सेव वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसे कि कोई भी हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो आती है, हम उसे डाउनलोड करते हैं, वो हमारे फोन की गैलरी में सेव होता है, सिमिलरली ये भी हमारे फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। और फिर जैसे हम कोई भी वीडियो व्हाट्सएप के फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू जैसे भी हम शेयर करते हैं, कोई भी नॉर्मल वीडियो करते हैं, उसी तरीके से हम ये प्रोग्राम भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा इसके फीचर्स थे कि स्टॉप मोशन एनिमेशन में क्या क्या फीचर होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद हम ये हैंड्स ऑन करेंगे, मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी एक प्रोग्राम, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे हम इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ये एग्जाम्पल दिखाती हूँ स्टॉप मोशन एनिमेशन का, और ये कटआउट का ही एग्जाम्पल है जो कि हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखेंगे, क्योंकि कटआउट एनिमेशन जो है बहुत ही सिंपल होता है, आपको एक पेपर ही चाहिए होता है, उस पर आप कुछ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन देके या सिंपल सी कटआउट बनाकर भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और आप भी मेरे साथ करिएगा, ताकि आपको पता चले कि कितनी जल्दी जल्दी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ऑडियो आपको आ रही है, इट्स ऑडिबल। यस मैम, इट इज ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू। समूह में आदि मानव लेकर बैठे थे कुछ पत्थर। कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले। कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ मीठे चाकू से धार। बना रहे थे वो हथियार। टकराया पत्थर से पत्थर, तब उससे निकली चिंगारी। पास ही था पत्तों का ढेर, आग सुलगते लगी न देर। जब आग जलाना, सर्दी का मौसम बना सुहाना। उनकी गुफा हो गई रोशन, खाने लगे पत्थर।
पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। आग। तो ये एक स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जाम्पल था बेस और स्पेसिफिकली कटआउट का था। तो आपने देखा इसमें पेपर से कुछ कैरेक्टर्स बनाए गए थे और बहुत ही एक कॉन्सेप्ट था कि आग की खोज कैसे हुई। इसको अगर हम वर्बली एक्सप्लेन करेंगे तो इतने अच्छे से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये 2 मिनट का एनिमेशन था, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट को कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया गया। ये स्टॉप मोशन एनिमेशन है और ये कटआउट का एनिमेशन है जो पेपर कटआउट से बना हुआ है। इसमें पूरे एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए ये ऐप के थ्रू नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये ऐप के थ्रू नहीं बनाया गया है, ये प्रोफेशनली स्टूडियो में शूट हुआ है। लेकिन ये इसको क्लिक कर इसको क्रिएट करने के लिए मोर देन 1000 पिक्चर्स क्लिक किए गए थे, और जितना आप क्लिक करेंगे ज्यादा उतने ही आपके जो मूवमेंट है वो स्मूथ होंगे। जैसे कि आप देख रहे थे कि जो हमारे कैरेक्टर थे उनके जो हाथ ऊपर नीचे मूव कर रहे थे तो वो स्मूथ थे, क्योंकि जितने आप पिक्चर्स ज्यादा आप क्लिक करेंगे उतना ही ज्यादा ये अच्छा होगा, स्मूथ बनेगा। तो अब हम ऐप से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने मोबाइल फोन में इसको डाउनलोड करिए और साथ ही साथ क्रिएट करिए। छोटे से कॉन्सेप्ट पे ही क्रिएट करिए, लेकिन साथ ही साथ करिए ताकि आपको प्रैक्टिस होगी उसकी, आप बाद में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ करेंगे तो आपको डाउट्स भी आएंगे, तो वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐप का नेम है स्टॉप मोशन स्टूडियो और काफी लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है, मैं जैसे कि देख पा रही हूँ चैट बॉक्स में। हाँ, इसमें इमेजेस आर नॉट एडिड। तो अगर आपने मेरा सेशन स्टार्टिंग से फोकस होके सुना था तो मैंने बताया था इसमें कि इसमें प्रीमियम वर्जन भी है, आप एक्सटर्नल इमेज नहीं ऐड कर सकते हैं, आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आप डेमो देखिए इसका, साथ साथ डेमो के साथ साथ आप साथ में करिए। About it. So we will create a stop motion animation for this story. I hope it's audible. Yes, ma'am, it is audible. Okay. तो ये पूरा डेमो है, इसमें पूरा आपको एंड टू एंड वीडियो क्रिएट करके दिखाया जाएगा और साथ में आप इसको करिए भी। एंड वी विल क्रिएट दिस स्टोरी बाय यूजिंग डिफरेंट कटआउट्स। वी कैन क्रिएट स्टोरी बाय यूजिंग पपेट्स क्ले, बट टुडे वी विल क्रिएट दिस स्टोरी स्टॉप मोशन एनिमेशन बाय यूजिंग कटआउट्स। एंड हेयर यू कैन सी दिस इज द बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड वी विल यूज दिस बैकग्राउंड फॉर क्रिएशन ऑफ स्टॉप मोशन एनिमेशन। एंड हेयर यू कैन सी सम कटआउट्स लाइक क्रो एंड एन अ वाटर जग पिबल्स एंड एन अ वाटर जग विथ पिबल्स। तो वी विल यूज दिस दीज कटआउट्स फॉर क्रिएटिंग आवर एनिमेशन। So we will capture frame
based on the storyboards. As we discussed earlier, we have created a storyboard for this story, and we have created a each of frame, and we captured these frames, these frames. So as discussed, here 8 icons are given. You can see on the right hand side, top icon is camera. So we will capture this frame by using this this icon. So I'm tap on I'm clicking on this. Now you can see a red button. We can click we can capture a frame by clicking on the red button. So I'm clicking on it. So this is our first frame. Now I am clicking my second frame where the crow is here, and click on the red button. I will move the position of the crow. I will move the position of the crow and I will click the frame. Again, move the crow and click the frame. Again, moving the crow and click the frame. Again, same procedure will do. Again, the close frame I will clicking. So now we can see the crow not able to drink a water because the water level of the jug is very low. So now he can see some pebbles here. So we will rotate the position of the crow and we will click some clicks on that. Yes. Prachima, the volume was low. We will move it on down. Now, as we can see, crow picked up the pebble and now he moving towards the water jug, and we will capture this frame. We will capture each frame of this process. Now again, we repeat the entire process. And we'll capture every moment.
We will capture each and every detail. Now we can see after putting pebbles in the water jug, now crow is able to drink water and he is drinking water. We will capture this moment, this frame, and we will click all the frames. So we have clicked all possible frames for this story. Now we will see how many frames we have clicked. You can see at the bottom of right hand side 69 frames. So 69 frames are clicked for this story. Now I am clicking on the back button, and at the end of the screen we can see the timeline of this story, and we can see the every frame of this story. So as we are explained earlier, we can edit and we can add our voice in this story. Now we will edit our frames, like edit my frames timeline. So here we can see on frame number 65, the shadow is coming, my hand shadow is coming. So I want to delete this light. So what we can do is, I will click on this frame, and this editing options are coming. Here we can see a delete option. I will delete it, and this frame will deleted. So we can edit our timeline by using these edit option. If I want to copy my duplicate my frame, so I will click on copy button. And paste it here. So my so the duplicate frame will be created, and we will edit our timeline as we are required for. Now I am going to play this video by click on play button. So you can see the motion in the story, in the frames. If you realize that we can see the option of insert camera, we can click on this and retake the frame. We can cut the frame, we can copy this frame, and we can delete this frame, we can erase and edit also, and merge and reverse. Jo reverse feature will be available for the pro version of stop motion animation. Now if we can set our video speed by using these options. I am clicking on setting. Here we can see movie speed. We can set the speed of our animation movie. Now I have set 5 seconds per frame. We can set as per our requirement.
3 second, 4 second, 5 second, 10 second. We can use this feature for speed adjustment. We can adjust color contrast, but this feature is available for the pro version. And we can use foregrounds. So these some features are available with the free version. So we can use these feature for our animation. Now if we want to add our voice with the animation, we will use the voice icon. Now I am clicking on voice icon. Here we can see the record button on the screen. By clicking on this, we can record our voice and add with our animation. So now I am going to record my voice. I am clicking on the record icon. Here you can see the start recording. One hot day, thirsty crow flew all over the field looking for the water for a long time, and suddenly he saw a water jug near the tree. He flew down to see if there was any water inside, and he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into the jug, but he could not do this because water level is very low. Then he saw some pebbles. He started picking up pebbles one by one, dropping each into the jug, and water level kept rising. He finally drank water, and his plan had worked. The moral of the story is, think and hard work may find solution of any problem. I'm going to stop this recording. Now you can see all over the field looking for the water for voice a long time. Is coming with the video, he saw a water, and we can add the narration of a story with the animation. See if there was any water inside, and he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into now the jug, I'm going to stop this play and click on done. Now I am going to play this animation with audio by clicking on play button. One hot day, thirsty crow flew. Now you can see audio is coming with the video. So you can create small animation with audio by using this stop motion animation app. Now we want to share our video with our friends and with our students. So for this we will click on the back button. Here we can see right left hand side top icon is back icon. We will click on this icon. Here this is the dashboard, and you can see this is the movie we have created. We will long press this icon, movie icon. So we can see the various icon is appearing top of the screen. First icon is preview icon. If I am clicking on this, we can see the preview of the of our animation. All over the field looking for the water for a long time, and suddenly he now I am pausing this, clicking on cross button, so we can preview our video by clicking on preview button. We can see the second icon of sharing. By using this icon we can export our video in various format. First is in we can download export our animation in the movie format.
वी कैन एक्सपोर्ट एज एनिमेटेड GIF फॉर्मेट, वी कैन एक्सपोर्ट इन इमेजेस फॉर्मेट, वी कैन एक्सपोर्ट इन फ्लिप बुक फॉर्मेट एंड वी कैन एक्सपोर्ट इन प्रोजेक्ट फॉर्मेट. सो टूडे वी विल हेयर वी विल एक्सपोर्ट अवर एनिमेशन इन मूवी फॉर्मेट. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस देयर आर मैनी ऑप्शंस आर कमिंग ऑन द स्क्रीन. वी कैन शेयर अवर वीडियो वाया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जीमेल, मैसेंजर, ट्विटर. सो हेयर वी कैन सी द वेरियस ऑप्शन वी कैन यूज दिस ऑप्शन टू शेयर अवर वीडियो एंड वी कैन सेव अवर वीडियो इन फोन इन अवर फोन ऑल्सो. सो वी कैन बाय क्लिकिंग ऑन सेव वीडियो वी कैन डाउनलोड दिस वीडियो इन अवर फोन गैलरी एंड फोन गैलरी. सो वी कैन शेयर अवर वीडियो बाय यूजिंग दीज आइकन्स. थर्ड नंबर आइकन इज कॉपी आइकन. If you want to duplicate your movie, you want to copy your, make a copy of your movie, so you can click on this icon and you can see the copy of, duplicate copy of your movie. So you can duplicate and make a copy of our video. And fourth option is delete option. We can delete multiple copies. Yeah. So now I'm going to delete this duplicate copy. I'm clicking on this, select on this and delete it. I'm clicking on delete option. तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था और ये जो वीडियो है वो आपके साथ ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे, क्योंकि जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आप इसको रेफर कर सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसमें देख रही थी चैट बॉक्स में, कि मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ. बहुत सारे लोगों के ये भी थे कि वॉइस इज टू लो, तो शायद वो आपके एंड पर होगा. हमने टेक्निकली चेक किया था तो आवाज का कुछ ऐसा इश्यू नहीं था, लेकिन हम ये शेयर कर देंगे ताकि आप फ्यूचर में इसको रेफर कर सकते हैं. तो जो लोग एक्सटर्नल इमेज इंसर्ट कर रहे हैं अपनी फोन गैलरी से कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पेड वर्जन है. सेम विद ऑडियो, अगर आप कोई एक्सटर्नल म्यूजिक या एक्सटर्नल ऑडियो ऐड कर रहे हैं तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एडवांस फीचर है. और दूसरा ये था कि ये मैंने पहले भी बताया था कि एक मोबाइल कंपैटिबल ऐप है, हालांकि इसका डेस्कटॉप वर्जन भी है, लेकिन क्योंकि आपको इसमें फोटोज क्लिक करने हैं तो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से क्लिक नहीं कर सकते हैं, तो डेस्कटॉप पर ये उतना फ्रेंडली नहीं होगा, आपको आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं क्योंकि आप डेस्कटॉप से पिक्चर नहीं क्लिक कर सकते हैं. तो इसीलिए आप मोबाइल से ही इसको क्रिएट करिएगा. और दूसरा एक ऑडियो का भी इश्यू आ रहा था, तो आप अगर ये देखेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है बहुत सारे इसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने मोबाइल से ही इसको, मोबाइल से ही मीटिंग कर रहे होंगे और मोबाइल से ही क्रिएट कर रहे हैं, तो जूम मीटिंग अगर आपके फोन पे चल रही है क्योंकि उसका भी एक ऑडियो आउटपुट है, तो आपका एक ही ऑडियो आउटपुट एट अ टाइम आएगा. अगर आप मोबाइल से ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और फिर उसे उसी टाइम पर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको ऑडियो का इश्यू आएगा. तो बेटर है कि आप जब ये इसको ट्राई करिएगा और फिर अगर ऑडियो का कुछ इश्यू आएगा आपको तो आप ग्रुप में पोस्ट करिएगा, वहां आपकी जो क्वेरी है वो एड्रेस की जाएगी. दूसरा, ये मेरा वीडियो शेयर कैसे होगा, आप डैशबोर्ड पे जाइए, वहां पर आप जाएंगे तो आपको आपका प्रोजेक्ट दिख जाएगा. आप उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो टॉप बार में आपके, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ कि आप कैसे आपका वीडियो शेयर होगा. वेट अ मिनट. आप क्रिएट करके ये बैक बटन से इस डैशबोर्ड पर आएंगे,
आपका आपने जो भी क्रिएट किए हैं वीडियो, वो आपको यहाँ दिखेगी। आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। और दूसरा है कि बहुत सारे एनी सॉफ्टवेयर फॉर पीसी। हाँ, मैंने आपको ये इस प्रेजेंटेशन में कंप्लीट एक लिस्ट है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी लिस्ट। तो आप 2D, 3D और डिफरेंट टाइप के एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए भी मैम, क्या कोई ऐसा ऐप है जिससे रिटन मटेरियल को ट्रांसफर करते हुए साउंड आए, यानी लिखा हुआ ऑटोमेटिक? नहीं, ये इसमें ये लिमिटेशन है जो मैंने आपको पहले बताया। हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। एक कोई भी कंप्लीट सॉफ्ट एक कोई सॉफ्टवेयर इतना कंप्लीट नहीं होता कि जो आपको हर चीज दे पाए। इसमें आप एक्सटर्नल ऐड कर सकते हो जो मैंने बताया था, लेकिन आपको वन टाइम पेमेंट देना पड़ेगा 450 अराउंड, कुछ लाइफ टाइम पेमेंट है। और अगर आप फ्री वर्जन यूज करेंगे तो आपको अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है टेक्स्ट टू स्पीच हो जाए आपका कि आप टेक्स्ट दे। और ये हाँ, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, कि आपको एक एक मतलब विद इन अ मिनट और 1 से 2 मिनट के अगर करनी है तो उसके लिए ये आप परचेज भी करेंगे तो ये अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। 450 आई गेस 450 ही इसका अमाउंट है। अगर कुछ रिवाइज हुआ है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसमें आपको सारे फीचर मिल जाएंगे, आप इसमें सब कुछ एडिट कर सकते हैं। 558, ओके 550 और वही, मुझे रिवाइज रेट नहीं पता था इसका। 550 इसका प्राइस होगा। प्लीज रिपीट हाउ ऑडियो कैन बी इंसर्टेड एंड एडजस्टेड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि आपको ऑडियो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, ऑडियो रिकॉर्ड करके आप ऐड कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर रिकॉर्डर है, इस पे प्ले करेंगे और इसको आप रिकॉर्ड करके कर सकते हैं। रिकॉर्ड एडिटिंग कैसे होगी, आप पर्टिकुलर फ्रेम पर जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका ऑडियो है, यहां जाकर जो भी ऑडियो आपकी मूवी पर है वो आपको यहाँ दिख जाएगी, और यहाँ से इस ऑप्शन से आप इसको अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं जो रिकॉर्डेड है। आई एम रिपीटिंग, जो रिकॉर्डेड है, जो आपने ऐप में रिकॉर्ड करी है रिकॉर्डर से। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम तो स्टार्टिंग में बताया गया था। एनीवेज, स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप का नाम है। और ये मैं दोबारा रिपीट करूंगी, मोबाइल से ही करिएगा क्योंकि आपको पिक्चर्स को क्लिक करना है अगर आप फ्री वर्जन करते हैं। और अगर आप इसका पेड वर्जन करते हैं तो आप इसे डेस्कटॉप पे भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके आपको आपको फोटो तो खींच, आपको केवल इसका वो करना है, आपको एक्सटर्नल यूज करनी है तो आप वो कर सकते हैं। अब अगर कोई अपना दिखाना चाहता है, किसी ने कुछ क्रिएट किया है, तो आप यहाँ अपना दिखा सकते हैं जो अभी आपने ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन आपने क्रिएट किया हो कुछ। अगर कोई कुछ दिखाना चाहता है तो आप जरूर दिखा सकते हैं। और इसमें आप छोटे छोटे, जैसे ये तो पेपर से बना था इसकी, और दूसरा इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको फ्री वर्जन में भी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने भी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और आप एक फ्रेम की अगर 2 से 3 पिक्चर क्लिक करेंगे, आपने अगर नोटिस किया हो तो एक फ्रेम का 2 से 3 बार क्लिक किया गया था। पर्पस ये है कि अगर आप जितनी ज्यादा एक फ्रेम की पिक्चर क्लिक करेंगे तो उतना ही आपको ट्रांजिशन जो है वो बहुत स्मूथ होता है, आपको वीडियो में जर्क्स फील नहीं होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेम क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, स्क्रीन शेयर नहीं होती है। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्क्रीन शेयर करने के राइट्स दे दें, ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ भी क्रिएट किया है तो वो सभी लोग देख पाएं। और इसको आप इसके फीचर्स और आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप और जानेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई भी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक फीचर है। कट, कॉपी, पेस्ट, क्लिक, प्ले, जो हम आमतौर पे ही अपने मोबाइल फोन को डेली हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो जो फीचर उसमें है वही फीचर इसमें है।
और बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको इतने सिंपल फॉर्मेट्स में शेयर कर सकते हैं कि जो हर मोबाइल डिवाइस पे, हर डिवाइसेस पे वो कंपैटिबल रहेगा। आप इसे पिक्चर के में भी कर सकते हैं, वीडियो में कर सकते हैं। वीडियो में करेंगे तो ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम इसको एनिमेशन ही क्रिएट कर रहे हैं। और इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं ताकि आपके फोन का स्टोरेज भी फुल ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल सॉफ्टवेयर है। बाकी आपको पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी, जिसमें कंप्लीट लिस्ट है इसमें कि आप और भी अगर एक्सप्लोर करना चाहें अपने से तो वो कर सकते हैं। आई हैव शेयर्ड इन दी ग्रुप। अच्छी बात है आपने ग्रुप में किया है, तो हम ग्रुप में भी इसको देख लेंगे। अगर अगर कोई यहाँ भी शेयर करके दिखाना चाहता है तो वो यहाँ भी दिखा सकता है। आपने ये क्रिएट किया बहुत ही, आपको समझ आ गया कि किस तरीके से ये बन सकता है। अच्छा मतलब ट्राई था, लेकिन इसको आप किसी कॉन्सेप्ट पे करिएगा, चाहे किसी और ने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको खुद ही समझ में आया होगा कि कितनी जल्दी हमने इससे एक वीडियो बना लिया। लेकिन इस को अब किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करके आप क्रिएट करिएगा, और बहुत ही छोटे हम बहुत टाइम कम टाइम में इसको कर सकते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप में शेयर किया है हम उसमें ग्रुप में देख लेंगे उनका, नो इश्यू। आप का ग्रुप में अगर शेयर किया तो हम ग्रुप में भी देख लेंगे। बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी अपना वीडियो शेयर किया है। किसी का था कि क्रॉप करना, बताइए। क्रॉप करना एडिटिंग में जाकर होगा, लेकिन एक बार आप ये देखिए, क्रॉप करना जो है वो आपका पेड फीचर है। तो आप कोशिश करिए कि आप पिक्चर ऐसी ही क्लिक करें कि आपको उसमें क्रॉप करना ना पड़े, क्योंकि ये पेड फीचर है, प्रीमियम वर्जन का फीचर है। मैम शेयर एंड सेव का ऑप्शन बताइए। तो मैं एक बार आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि कैसे इसको हम सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये आपका प्रोग्राम है जो आपने क्रिएट किया। आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जिसमें ये सेकंड ऑप्शन है वो शेयर का ऑप्शन है। इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में कर सकते हैं। ये MP4 है, दैट इज वीडियो फॉर्मेट। एनिमेटेड GIF फॉर्मेट है, इमेजेस है, ये PDF है। तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसको MP4 में करना चाहती हूँ, मैं जैसे ही इसको एक्सपोर्ट मूवी पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे, आपको ऑप्शन देगा कि आप तो डायरेक्टली जाके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए या फिर आप इसको सेव कर लीजिए। तो यहाँ आप सेव वीडियो का ऑप्शन देख रहे हैं, आप इस पर सेव करेंगे तो ये आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेव एंड शेयर कर सकते हैं। तो आई होप ये टूल आपको स्लाइड का टाइम कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको। आप ये सेटिंग का जो बटन है आप इसको देखेंगे,
आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको सेकेंड्स आ रहे हैं। आप 1 पर रखेंगे तो आपकी मूवी की स्पीड जो होगी वो स्लो रहेगी, जितना आप टाइम इंक्रीज करेंगे तो वो आपका फास्ट होगा। तो इससे आप अपने उसको स्लाइड के टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम के ही टाइम को एडजस्ट करना है, तो एडिटिंग का ऑप्शन था वहां पे पॉज था, तो यहाँ पर भी आप पर्टिकुलर एक फ्रेम के टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यूज करेंगे तो आपको सेकेंड्स में टाइम अपियर होगा, तो वहां से भी आप पर्टिकुलर फ्रेम को भी के टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये टूल आपको आसान लगा होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा, फीचर समझ में आएंगे। तो अभी किसी के अगर डाउट, हम इसको भी यहीं पर स्टॉप करते हैं। और किसी के कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग ग्रुप में हैं, वहां पर आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और आपस में भी आपकी पीयर लर्निंग भी होगी। ग्रुप में आप करेंगे तो आपकी पीयर लर्निंग होगी, तो जो फीचर किसी और ने एक्सप्लोर कर लिया हो वो आपको बताएगा, और आपने जो फीचर यूज किए होंगे आप भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पीयर लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है, तो इसको भी हम यूज करेंगे सेशन में, क्योंकि हम तो सिखा ही रहे हैं, आप भी आपस में सीखिए। तो थैंक यू सो मच।